हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आगे मैं और रिवेड के साथ वापिस। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनली गाइस खेलने वाले हैं हमारे अनग्रेजुएट गेमर भैया के साथ, मतलब आयुष भाई के साथ। हम भाई इस स्क्वाड में तीन बंदे थे, एमी भाई, एक वर्षा लड़की थी, तीसरा मैं, और चौथे आपको भाई पता ही है हमारे आयुष भाई। और ये भाई ग्रैंड मास्टर की 15,000 प्लस लॉबी थी, और भाई हमारे जो आयुष भाई हैं उनके तो 21,000 प्लस स्कोर हैं, आपको मैं दिखा दूंगा इस। तो भाई हम जहाँ पे ग्रैंड मास्टर लॉबी खेलने वाले थे, अभी देखते हैं भैया, रात के कम से कम 12 बजे के बाद की लॉबी है भाई, मतलब रात को इतने तगड़े बंदे आप आते हैं, आपको मैं क्या बताऊंगा। लेकिन हमने भाई जे भी मक्खन की तरह बुया निकाला, मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। और मैं पहली बार खेल रहा हूँ भाई उनके साथ, जो आयुष भाई हैं हमारे, और मेरे हाथ कांप रहे थे, वो आपको भाई नहीं समझ में आएगी फीलिंग, कभी आएगी अगर आप भाई किसी बड़े बंदे के साथ खेल रहे होते हो ना, तो अलग से भाई डर सा बैठा रहता मन में भी, भाई यार ये जज ना कर दे यार भाई भी, मेरे को बोल रहा था कुछ गलती ना हो जाए, बस ये सीन चलता रहता है। लेकिन भाई कोई नहीं, फिर भी हम अच्छा खेले, वो आपको मैं दिखाता हूँ गाइस भी मैं आउट हुआ पूरी गेम में या नहीं, तो आप बस गेम प्ले इन्जॉय करना है यार भाई, ऐसी गेम प्ले अभी मैं रेगुलर रखने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना यार, बढ़िया रहेगा काम, तो हमको भी मोटिवेट मिलता रहेगा। पहले तो मैं आपको बोलते ही नहीं कि सब्सक्राइब करो भाई मेरे चैनल को, वो आपको पता ही है गाइस। हेलो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज, डाउटनेट आपके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर आपको एकदम बेसिक इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी अपनी हिंदी भाषा में, यानी अब आप में से हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। इस कोर्स के अंत में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो अभी जाइए डाउटनेट ऐप पर और ये कोर्स खरीदिए और इंग्लिश बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट में मिलेगा, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस इसलिए इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते जाना अगर आप रोज़ देखने आते हो। तो भाई अभी प्लेन निकल चुका था ऑब्जर्वेटरी की साइड से, तो हम ऑब्जर्वेटरी कूद रहे थे, जैसे कि एमबी भैया का सेम रूल होता है कि वो अलग उतरते हैं, अलग उतर के भाई बंदों को पेलते हैं जहाँ पे उनका फेवरेट प्लेस होता है, वो है फैक्ट्री गाइस। वो भाई फैक्ट्री में उतर के जो तहलका हो जाता है वो देखने लायक होता है भाई, अगर उनकी गेम प्ले रिकॉर्ड हो जाए ना तो भाई क्या ही बताऊँ, बस इतने तगड़े बंदों के नाम आते जाते कि वो बंदे पेल रहे हैं। बस भाई इनकी गेम प्ले भाई मेरे को सबसे अच्छी लगी इस टाइम पे भाई, मैं जब तक खेल रहा हूँ ना अनग्रेजुएट गेमर की स्क्वाड के साथ, इनकी गेम प्ले भाई बहुत तगड़ी है, मैं इसलिए इनका बस हमेशा बोलता रहता हूँ। और भाई मेरी स्क्वाड वॉच में ये बंदा आया था, तो इसके मैं पीछे भागते हुए आ रहा था, और मारी स्क्वाड का सबसे पहले नाम चमक चुका था, क्योंकि 52 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा कम हुआ था जो मैंने मारा था, और हमारी स्क्वाड में से सबसे पहले ये किल उठाया गया था। अब भाई 46 बंदे टोटल रह गए थे और हम किल करने के लिए निकल गए थे गाइस, क्योंकि हमें किल तो भाई बहुत चाहिए, चाहे लॉबी जैसी मर्जी क्यों ना हो। तो बस हम लॉन्च पैड पकड़ के निकल लिए, और मैं आयुष भाई के पास ही जाने वाला था, और वो उतर के भाई बिना बोले बस फाइट करने लग गए, मतलब बताया नहीं, देखो एक किल किया और दूसरा किल किया, मतलब दो दिखे, दोनों उड़ा दिए भाई इधर आते ही, कि कम से कम 5 सेकंड भी नहीं हुए उन्हें उन्हें इधर आए हुए भाई, फिर भी उन्होंने 2 किल उड़ा दिए। तो बस मेरे को भी भाई जहाँ पे एक बंदा दिखा था मैं उसकी साइड ही भाग लिया, और वो मेरे हत्ते चढ़ गया भाई, मैंने इसको उड़ा दिया, मतलब भाई पूरा जहर वाला रस चला रहा था इस टाइम पे हमारी स्क्वाड का, बस जो बंदा दिख रहा था वो ख़त्म हो रहा था, कोई टिक नहीं पा रहा था हमारी साइड पे। अब हमने भाई ग्रेवयार्ड भी खाली कर दिया, अब ग्रेवयार्ड से अब आगे थोड़ा और बढ़ना था हमें बुलसाई में, अब बुलसाई में भाई फुल स्क्वाड थी जिनके पास भाई चारों के पास क्रोनो था, हमारे भाई आयुष भाई नॉक हो चुके थे इस टाइम पे, क्योंकि भाई उनके पास ग्लू वॉल ख़त्म हो चुकी थी, वो तोड़ रहे थे भाई बार बार, तो मैं सबसे पहले उनको गया रिवाइव करने, क्योंकि बड़ी स्क्वाड में भाई सबसे तगड़ा रूल यही होता है कि अगर बंदा कोई मरे तो भाई उनको किल नहीं करना, सबसे पहले भाई रिवाइव करना है, उसके बाद जाके फाइट लेनी है, ताकि अगर तुम मर भी गए बाय चांस गाइस, लेकिन चांस नहीं भी होता, मान लो उसको फुल डैमेज है, वो अगर चांस नहीं भी होगा वो सामने वाला ही मरेगा, लेकिन फिर भी भाई अपने बंदे को रिवाइव करो, उसके बाद जाके फाइट करो, कोई ना कोई चांस हो जाता है कि आप मर जाते हो। तो बस भाई मैं उनको रिवाइव किया, अभी मैं हम बोल ही रहे थे कि वहाँ पे तो वो बंदे दिख नहीं रहे, लेकिन तभी भाई आयुष भाई के पड़ गई और मैं घूम के जाने लगा, मेरे को बोला गया कि तू पूरा रोटेट मार देगा इस, उसके बाद इसको जाके ना अभी जोन में मत आने देना और वहाँ पे पेलना स्टार्ट कर देना, मैं इनको यहीं पर फंसा के रखूँगा। और एक बंदा भाई लॉन्च पैड पकड़ के इनकी बिल्कुल पीछे आने वाला था आयुष भाई के, लेकिन मैंने लॉन्च पैड से भाई हेड मार के उसको उतार लिया। अब गाइस उसको मैं फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि उस पर भाई कोई एंगल ही नहीं बन रहा था यार भी मैं उस पर फायर करूं, क्योंकि वो लॉन्च पैड के पीछे चला गया। तो भाई एक लड़की बिल्कुल अंधों की तरह उसको रिवाइव करने आ रही थी, तो मैंने उसको सोचा भी रिवाइव करने दे उसके बाद पेलेंगे भाई,
जैसे मैंने सोचा भाई दोनों पे एक स्प्रे की M10 की, दोनों खत्म। एक के तो एक गोली लगी, मैं घुमा के दूसरे पे एम कर दिया भाई, वो भी खत्म। मतलब जहाँ पे सीधे ही मेरे 2 किल मिल चुके थे और इस टाइम पे मेरे को टोटल 4 किल मिल गए थे गाइस। और अभी थोड़ी देर में आयुष भाई एक बंदे को पेल देंगे और इधर भाई स्क्वाड पूरी खत्म। मतलब पूरी स्क्वाड हमने ये खा चुके थे, जो भाई ज़्यादा तगड़ी मान रही थी अपने आप को। और भाई जहाँ पे हम बिम्बा शक्ति में आ गए उधर से भाई भागते भागते भूल साए कहाँ है बिम्बा शक्ति कहाँ है, आप खुद देख लो हमने कितना ट्रैवल किया। और एक मैंने बेंडिंग मशीन में घुसता हुआ देख लिया बंदा भाई, उसने कोई रिवाइव तो नहीं किया इसलिए मैं ऊपर देख रहा था, बेचारा हेड खा के सीधा मर गया। M82B का भाई मेरे सीधा मत्थे पे गोली मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट कर दी भाई तूने, हमारी AK बहुत ज़्यादा तहलका चलती है, तू कोई भी गन लेकर आ हमारी AK के सामने तो खत्म हो जाएगा। अब इस टाइम पे गई मैंने उसको लूटा, अब मैं ऊपर की ओर बढ़ लिया पीक की साइड पे। और भाई हाँ वर्षा बोली कि मेरे पास ग्लूवल नहीं, तो मैंने जल्दी से नीचे आया थोड़ा सा और उनको ग्लूवल दी और ऊपर जाके भाई रश करना शुरू कर दिया फिर से, अपने काम में जुट गया बंदे ढूंढने के लिए। अभी भाई मैं जा ही रहा था जहाँ पे एक कार आई और मैं उस कार को फोड़ने लग गया भाई, कार बिल्कुल मेरे मुँह के पास आ गई, तभी मैंने ग्लूवल लगाई और वो बंदा निकला ही था भाई। मैंने काफ़ी ज़्यादा M10 चला रखी थी उस पर, लेकिन वर्षा ने एक गोली मारी वो ख़त्म भाई। अब भाई उन्होंने एक किल चुरा लेते, मेरे को L6 पे पता था एक बंदा है गाइस, उसने थोड़ा सा फायर किया था तो बस मैं उधर को बढ़ लिया और वहाँ पे एक मेरे को बंदा दिखा जिसको मैंने भाई देखते ही ख़त्म कर दिया। अब उसको फिनिश करने जाना था, मेरे पास एक फ्रीज ग्रेनेड पड़ा था मैंने ऊपर पे कर दिया। अगर भाई L6 में कोई बंदा भी है तो उसे रिवाइव करने आएगा तो वो भी भाई थोड़ी बहुत ही डैमेज खाएगा और मेरे को उसका पता चल जाएगा और वो भी शायद से नॉक हो जाए भाई, ऐसा मैंने सोच के वो गिरा दिया भाई। फिलहाल के लिए जो नॉक था वो फिनिश हो चुका था और ME भाई अभी एक बंदा निपटा चुके थे। अब मैं भाई चल लिया पीक की ओर, क्योंकि अभी पीक की साइड ही बचा था जहाँ पे बंदे होने वाले थे, क्योंकि थोड़ा सा ये सर्वाइव कर रहे थी ये लॉबी गाइस, सब शायद पुश करने में लगे हुए थे क्योंकि भाई 12 के बजे जो 12 बजे होते हैं उसके बाद भाई सभी के सभी सर्वाइवर होते हैं, सबके सब रैंक पुशर होते हैं। अब फिलहाल के लिए मेरे को एक सामने स्क्वाड और दिखी थी एक के, तो भाई मैंने रख के डैमेज की थी लेकिन वो भाग गया, पता नहीं कैसे भाग गया लेकिन भाग गया गाइस। 39 के लग रहे थे, अगर एक गोली उसके और लग जाती वो ख़त्म गाइस। और ये भूकंग बन के भाई घूम रहा था, मैंने इस पर फायर किया ताकि इसका भूकंग टूट जाए और उसके बाद इसको M10 से धर लिया। उधर ME भाई ने एक को उड़ा दिया और एक को मैंने उड़ा दिया इधर। और भाई वर्षा का मैं बोला मेरा किल नहीं है, वो भाई मान भी गई लड़की, बताओ यार क्या है सीन है, पता नहीं वो जानबूझ के मानी भाई, पता नहीं आइडिया नहीं मेरे को। और ये गन इसके पास भाई कोई गन वगैरह नहीं थी, इसने बस ग्लू वाल बना के रखी हुई थी इस बंदे ने, तो भाई वो वाली एक इधर बंदा है जिसके पास गन नहीं, आके मार लो भाई। चलो भाई हमने इसको निपटा डाला, इसको निपटाने के बाद भाई अभी बस टोटल 9 बंदे बच रहे थे। अब मैं थोड़ी वेट किया तो एक बंदा भाई एलिमिनेट हो गया, अब टोटल 8 बंदे बच रहे थे और भाई 8 के 8 बंदे हमारे ME भाई को मिल गए। पहले तो वो भी मेरे को बोलने ही वाले थे माइक खोल के कि भाई आजा तू इधर आके किल कर ले, लेकिन भाई उनको नॉक करके उन्होंने भाई रिवाइव मतलब इमोट दिखा दिया, सॉरी मतलब इमोट शॉट मारा उन्होंने भाई, वो मार नहीं रहे थे इसलिए इमोट शॉट मारा उन्होंने, मतलब इमोट दिखा के वो शॉट होता ना वो मारा। हमने भाई उनको ऑफर दे दिया तू मार दे भाई इसको, भाई एक टाइम पे सीधा 4 का नाम भाई, मतलब इतनी फास्ट स्क्वाड वाइफ की उन्होंने क्या ही बताया भाई। तो चलो गाइस आशा करता हूँ आज की जय वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस ग्रैंड मास्टर की चैलेंज वाली सीरीज अभी हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन 20,000 पॉइंट करने के बाद, तब तक आप भाई आयुष भाई या फिर ऐसी स्क्वाड की गेम प्ले एंजॉय करते रहना, आपको पता चलता रहेगा कि लॉबी कैसी आती रहती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं भाई बुया पे लाइव स्ट्रीम किया करूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे को बी बैच सबसे ज़्यादा जल्दी मिलेगा, और अगर मैं भाई बुया पे लाइव करता हूँ तो आप आओगे या नहीं ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। और गाइस बाकी इधर ही रहना यार, बाकी ऐसे डाइवर्ट मत हो जाना, जिनको भाई मेरी वीडियो पसंद है वो सिर्फ वीडियो देखना, और जो मेरे को लाइव देखना चाहते हैं तो मैं अपने लाइव वाले चैनल पे भी आऊंगा और भाई भूया पे भी लाइव आएंगे, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर देना।